हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप नाम से ही जान रहे होंगे कि जिसमें हम किसी कोई चीज की कंडीशन लगा दी जाए। जैसे आपको कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करानी है, ये प्रिंट कराना है, तो उसके पहले आप एक कंडीशन लगा दें कि अगर ये कंडीशन फॉलो करता है ये, तभी ये लाइन एग्जीक्यूट हो या ये लाइन प्रिंट हो, नहीं तो ना प्रिंट हो। ओके, तो इस तरह के कई हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। इफ मतलब होता है यदि, और एल्स मतलब होता है अथवा। यदि ये हो अथवा ये हो, मतलब एग्जाम्पल समझिए इसको आप। जैसे आप कॉलेज जाते हैं और आपने ड्रेस नहीं पहना है, ओके, तो वहां पर एक कंडीशन लगा दी गई इफ एल्स की। समझ लीजिए वहां पर लगाया गया क्या गया है, इफ यदि आप यूनिफॉर्म पहने हैं तब आपकी एंट्री है, एल्स अथवा आपकी एंट्री अंदर नहीं होगी। तो इस तरह की जगहों पे हमारा इफ एल्स का स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स का यूज होता है रियल लाइफ में। अब हम कोड में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल से। तो चलिए सभी लोग अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर पूरा हमारा ये नई फाइल इम्प्टी है। तो चलिए पहले अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, और कौन कौन सी फाइल इंक्लूड होती है आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, आप जान जाएंगे। ओके, तो पहला फाइल है हमारी conio.h, ओके, conio.h। देन हमारी सेकेंड फाइल का नाम है stdio.h, ओके। देन अपना मेन फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर और रिटर्न कर देते हैं जीरो, रिटर्न जीरो। इफ ऑल इज राइट देन रिटर्न जीरो, अदरवाइज कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इफ एल्स के बारे में। हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं छोटे और बड़े का, मतलब हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उन दो वेरिएबल में हम दो वैल्यूज रखेंगे और चेक करेंगे यदि ये वैल्यू बड़ी है तो ये प्रिंट हो जाए अथवा ये प्रिंट हो जाए। ओके, तो इस तरह का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसके लिए पहले हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर करते हैं, एक का नाम रखते हैं हम एन और एक का नाम रखते हैं एम। एन में हम स्टोर कर देते हैं 12, ओके, देन एम में स्टोर कर देते हैं हम 21। आप सब देख के जान गए होंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, एम की वैल्यू बड़ी है। ओके, अब यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ लगाते हैं पहले, इफ यदि, इसका सिंटैक्स ध्यान देखिएगा आप। ओके, इसी का सिंटैक्स अब यूज होने वाला है बहुत जगह, और ये हर लैंग्वेज में यूज होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए इफ यदि एन इज ग्रेटर देन एम, यदि एन हमारा बड़ा है एम से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए। याद रखिएगा इसको, जितना भी आप यहाँ पर लिखेंगे इस इफ इफ का, इसमें मतलब जितनी भी स्टेटमेंट, जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी इस ब्रैकेट के अंदर होंगे। आप जान ही रहे होंगे कि पैरेंथेसिस जो होता है हमारा स्कोप को डिसाइड करता है कि कहाँ तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इफ को यूज़ हम कर सकते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, इसके बाहर अगर आप कोई भी लाइन लिख देंगे तो वो हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं गिनी जाएगी। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे आपने पैरेंथेसिस लगाना भूल गया और उसके बाद आप एक लाइन लिखे हुए हैं, तो आपकी एक लाइन को ये इफ स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट ले लेता है और उसके बाद की लाइन नहीं लेता है। तो अगर आपको एक ही लाइन लिखनी है तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप पैरेंथेसिस जरूर लगाएं, क्योंकि कई जगह मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रिंट एफ यदि एन बड़ा है एम से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए। एन इज ग्रेटर, बस देन यहाँ से लाइन ब्रेक कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ लिखते हैं एल्स, नहीं तो यदि एम से बड़ा, मतलब एन एम से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट हो, अथवा ई एल एस ई, नहीं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ एम इज ग्रेटर। ओके, तो इस प्रोग्राम का मतलब ये था। तो इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या लिखा हमने। पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन और एम नाम का, एन में हमने स्टोर किया है 12 और एम में हमने स्टोर किया है 21। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है
यहाँ पर ये चेक करेगा इफ एन इज ग्रेटर देन एम, ये ग्रेटर देन का साइन है आपको पता ही होगा, अगर एन बड़ा है एम से तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, क्या लिख करके आए एन इज ग्रेटर, अगर नहीं तो एल्स मतलब यदि अथवा नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए एम इज ग्रेटर, एम बड़ा है एन से। ओके तो आप सब जान ही रहे होंगे क्या प्रिंट होगा, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, इफ वाली की एल्स वाली, यहाँ पर हमारी एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि जो हमारा एम है वो बड़ा है तो हमारी एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और एम वाली नहीं। तो चलिए इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके या फिर वहाँ बटन से भी आप इसको रन करा सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और यहाँ पर लिख करके आ रहा है एम इज ग्रेटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एन इज ग्रेटर नहीं लिखा हुआ है। तो आप समझ गए ये होता है यूज हमारे इफ एल्स का, इफ मतलब होता है यदि, एल्स मतलब होता है अथवा। तो जैसे मतलब आपको कहीं भी अगर दो स्टेटमेंट दी गई है और दोनों में से चेक करना है कि ये सही है ये गलत, मतलब ये प्रिंट हो या तो ये प्रिंट हो, तो आप इसका यूज वहां पर कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक और प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या होता है इफ एल्स और इसका यूज हम कैसे करें, क्योंकि ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये आपके मैक्सिमम प्रोग्राम से यूज होता है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाने जाएंगे बड़ा या छोटा तो ज़्यादातर आपका इल्स इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। तो चलिए एक प्रोग्राम और देख लेते हैं और वो प्रोग्राम है हमारा इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम। ओके तो हमें इसमें चेक करना है कि दिया गया नंबर हमारा इवन है या फिर ऑड है। ओके तो आप क्या जानते हैं क्या होता है इवन और ऑड नंबर, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं एक बार। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके मतलब वो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। और जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं अगर उनको डिवाइड किया जाए 2 से तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए। ओके मतलब वो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। तो हमें करना क्या है, हमें इस प्रोग्राम में बनाना ये है कि हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसमें एक नंबर स्टोर करना है, उसके बाद इफ और एल्स के जरिए हमें चेक करना है इफ क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो हम प्रिंट करा देंगे दिस नंबर इज इवन नंबर, एल्स या फिर प्रिंट करा देंगे दिस नंबर इज ऑड नंबर। ओके तो चलिए पहले हम इस प्रोग्राम को इरेज कर लेते हैं जो कि हमने बनाया है, सिलेक्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ओके अब यहाँ पर हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम नंबर। ओके इस नंबर में स्टोर करते हैं एक वैल्यू जो कि होगी 44। ओके अब यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम इफ इफ यदि नंबर जो है हमारा ये डिविजिबल बाय 2 है, या देखिए अगर आप डिवाइड सिंबल का यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर कोशेंट मिलने वाला है। ओके अगर आपको चाहिए रिमाइंडर तो यहाँ पर आपको एक नए सिंबल से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम है मॉड। ओके यहाँ पर आपको मॉड का यूज करना पड़ेगा, मॉड इसमें होता है परसेंट। ओके इसका सिंबल मतलब होता है परसेंट जैसा, तो यहाँ पर आप परसेंट का यूज करेंगे, इसे परसेंट नहीं लेकिन मॉड ही कहिएगा क्योंकि इसमें मॉड का आता है। ओके मॉड 2 नंबर मॉड 2 तो इसका रिमाइंडर हमको मिल जाएगा, चेक करेंगे क्या ये 0 है, अगर ये 0 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ नंबर इज इवन। ओके देन लाइन ब्रेक करते हैं, एल्स नहीं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पी आर एन टी प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। ओके तो ये रहा हमारा सिंपल सा इवन और ऑड नंबर चेक करने का प्रोग्राम। तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसमें किया क्या है, हमने इसमें किया ये है कि हमने पहले INT नंबर मतलब हमने एक नंबर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उस नंबर नाम के वेरिएबल में हमने 34 रखा है, देन हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ यदि आपका जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो ये एल्स नंबर इज ऑड ये प्रिंट हो जाए। तो इस तरह हम चेक कर पाएंगे कि नंबर इवन है कि ऑड। तो चलिए हम इसे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ पर हम रन करा देते हैं, तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर इज इवन। ओके तो चलिए एक बार नंबर हम चेंज करके देख लेते हैं, अब यहाँ पर डाल देते हैं 3 सिर्फ, तो 3 क्या है, 3 होता है ऑड क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, और यहाँ पर देखिए लिख करके आ चुका है ऑड। तो ये रहा हमारा सिंपल सा इवन और ऑड नंबर चेक करने का प्रोग्राम। ओके आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, अगर इसके रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है तो आप इसे जरूर इंप्लीमेंट करिए, नहीं तो आपको हम कुछ लॉजिक देते हैं, जैसे आप बना सकते हैं कि क्या एक यूजर से आप इनपुट लीजिए किसी की एज
और चेक कर लीजिए, अगर वो 18 से ऊपर है तो आप ये प्रिंट कर दीजिए यू आर वैलिड, अदरवाइज यू आर नॉट वैलिड। तो इस तरह के प्रोग्राम आप इफ़ एल्स के जरिए बना सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम आप अच्छे अच्छे बनाइए। आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।